अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ मटन हलीम। मेरे चैनल पर चिकन हलीम की भी रेसिपी है, मैं उसकी भी लिंक दूँगी। चलिए मटन हलीम स्टार्ट करते हैं। मटन हलीम के लिए मैं ली हूँ 1/2 kg बोनलेस मटन, और इसके लिए मैं ली हूँ 250 ग्राम रवा। हलीम का रवा मिलता और बारीक और मोटा रहता, ये मीडियम लेना। 5 घंटे पहले मैं इसको पानी में भिगा दी। चलिए, और ये दालें मैं अलग से भिगा के रखी। ये दालों में है चने की दाल है, माश की दाल है, मूंग की दाल है और मसूर की दाल है। ये चार दालें हैं और एक मुट्ठी चावल है। चार दालें हैं इसमें, माश की दाल, मूंग की दाल और चने की दाल और मसूर की दाल और चावल एक मुट्ठी। दालें भी एक एक मुट्ठी है, पांच चीज़ें हैं, पांच चीज़ें भी एक एक मुट्ठी है। इसको भी 4 घंटे पहले मैं वॉश करके, अच्छे से वॉश करना, अच्छे से वॉश करके भिगाने छोड़ दी इसको। 4 से 5 घंटे रवा भी भिग गया और दाल भी भिग गई। और इसके लिए मैं दही ली, गाढ़ा दही, और इसको बीट करके रख ली। और ये घर का जमे हुई दही है, ये है 150 ग्राम। और प्याज है 3 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कट करके रख ली। काजू है, ये तो अपने हिसाब से आप बढ़ा या घटा सकते हैं। मसालों में मैं ली 1 टीस्पून शाहजीरा, और 5 से 6 लौंग, 5 से 6 इलायची, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची, 2 दालचीनी के टुकड़े। ये 5 चीज़ों को ग्राइंड करके पाउडर बना के रख लेंगे। और इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्ची है और 1/2 टीस्पून कबाब चीनी है। ये कबाब चीनी है, ये 1/2 टीस्पून है। इसको हम साबित वैसी डालेंगे, इसको ग्राइंड नहीं करेंगे। ये 5 चीज़ों में ग्राइंड करेंगे और इसको साबित रखेंगे। और हरे मसाले में है 1 पुदीने का बंच, 1 पुदीने का बंच, और कोथमीर के छोटे रहने से 2 बंचेस ली, 7-8 हरी मिर्ची है छोटे हैं, और लेमन, 2 लेमन लगते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अब बच्चे लाने गए। और लेमन की खटास अगर कम रहे तो सर्व करते वक्त भी डाल के खा सकते हैं। सबसे पहले हम मटन को, गोश्त को मैरिनेट करेंगे। इस मैरिनेट करने के लिए मैं डालूँगी 2 टीस्पून फुल नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून लाल मिर्ची, 2 टीस्पून अदरक लहसुन, 2 टीस्पून फुल, और ये सबको डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, अदरक, लहसुन जो डाले थे हम सब अच्छे से मिला लिए। और इसमें दही डाल देंगे, दही डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। चलिए मैं दही डाल के भी अच्छे से मिला ली। अब इसमें थोड़ा सा हरा मसाला डालेंगे, थोड़ी सी कोथमीर, पुदीना और 1 हरी मिर्ची डालेंगे। और इसको ढाप के 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप जल्दी में है, टाइम कम है, तो आप 1/2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। चलिए, जब तक हमारा मटन मैरिनेट हो रहा, जब तक हम दूसरे काम कर लेंगे। कुकर में मैं रवे को गलाने के लिए डाल देता हूँ। चलिए, रवा भी डाल देंगे और दाल, ये जो दालें और चावल जो भीगे हुए थे, ये भी एक साथ डाल देंगे। पानी में करीब हाथ, ये फिंगर्स रखने के बाद यहाँ तक आ रहा, बीच के ये फर्स्ट कट तक इतना पानी रखना, नहीं तो ये पकड़ लेते जल्दी। और इसमें कोथमीर, पुदीना, 3 हरी मिर्ची डाल रहे हैं। अब इसका ढक्कन लगा दी मैं, 5 सीटी होने के बाद 5 मिनट धीमे पे रख के इसको चेक करेंगे। जब तक हम प्याज को बिरयानी के प्याज की तरह गोल्डन फ्राई कर लेंगे, और ये जो मसाले है इसको पीस के पाउडर बना लेंगे। और प्याज जिसमें तलते, प्याज तल के निकालने के बाद काजू भी फ्राई करके निकाल लेंगे। चलिए, 1 घंटा हो गया, मटन मैरिनेट हो गया, अब इसको पकाने की तैयारी करेंगे। चलिए, एक भगोनी में मैं तेल डाली, एक कप तेल के करीब डाली, 1 कप 50 ml ऑयल डाली, वही जिसमें प्याज तले थे वही ऑयल डाली, और ये खोरमे का जो मटन रखे थे मैरिनेट वो डाल दी। अब इसको 5 मिनट तक तेज़ फ्लेम पे भूनते हुए पकाएंगे। चलिए, प्याज को भी ब्राउन, बिरयानी के प्याज की तरह फ्राई कर ली, और काजू भी फ्राई हो गए।
जो पाउडर पीस पीस के पाउडर बनाना था गरम मसाले का, वो भी हो गया, साइड में इसको रख देंगे। चलिए, मैं 5 सीटी के बाद 5 मिनट धीमे पर रख दी थी और ये गल गया और निकाल ली। अगर आप चाहें तो खुले बर्तन में भी गला सकते, कुकर में पकड़ने के चांसेस रहते, लेकिन कुकर में थोड़ा सा नीचे अगर ज़रा सा पकड़ा भी तो कुछ नहीं होता, गल जाता अच्छा। लेकिन अब इसको ठंडा करके हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। ये जो साबित दालें हैं ये गल तो गई, मगर ग्राइंड करने से बहुत जल्दी आसानी से हलीम बन जाती और ये दालें भी ग्राइंड हो जाती है। ये ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेंगे, गर्म है ये। चलिए, 5 मिनट तक तेज़ फ्लेम पे भून के पका ली और इसमें पानी ऑलरेडी है दही का, लेकिन और एक गिलास पानी डाल दूँगा। अब इसको ढाप देंगे, ढाप के तेज़ फ्लेम पे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तेज़ फ्लेम पे 15 मिनट के लिए छोड़ दे रहे हैं, लेकिन बीच में 15 मिनट हो गए और 15 मिनट तक मैं धीमे पे रखी। और इसका गोश्त भी चेक कर ली मैं, अच्छे से गल गया और फोरमा भी अच्छा पक गया। अब इसमें से गोश्त को निकाल लेंगे। गोश्त को निकाल के इसको मैश कर लेंगे, मोटा मोटा मैश कर लेंगे। मैं गोश्त निकाल ली सारा, इसको मोटा मोटा मैश कर लेंगे। अब इसके ऊपर जो तीरा है थोड़ा सा निकाल के अलग रख लेंगे। ये सर्व करते वक्त ऊपर से डालेंगे। इसको मैं ग्राइंड कर ली, थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर ली। अब इसमें फोरमा डालेंगे, जो फोरमा बना के हम रखे थे, अब फोरमा डालेंगे। और थोड़ा सा फोरमा गाढ़ा बना था, मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करी इसमें। अब इसमें डालेंगे नमक, नमक 1.5 डाल रही हूँ। नमक फोरमे में भी डाले थे, रवे के हिस्से का डाल रहा, रवा फीका रहता। और इसमें डालेंगे मसाले जो पीस के रखते, गरम मसाले और कबाब चीनी, काली मिर्ची जो साबुत रखे थे, और लेमन का जूस, 2 लेमन इसमें लगते कम से कम। और टेस्ट करके सर्व करते वक्त भी ऊपर से डाल के खा सकते हैं। अब इसमें जो मटन मैश करके रखे थे वो मटन डालते जाएंगे। मोटा मोटा मैश करना और ग्राइंडर में नहीं पीसना, ग्राइंडर में बहुत बारीक हो जाता। और इसमें डालेंगे हरा मसाला, कोथमीर, पुदीना और हरी मिर्च, 3 डाली हुई हरी मिर्च। अब इसको फ्लेम तेज करके 5 से 7 मिनट तक तो इसको लकड़ी के चमचे से घेटा मारेंगे इसी तरह। अगर ये हलीम घट हो गई और घेटा मारने नहीं आ रहा, ज़्यादा घट हो गई, तो आप थोड़ा पानी मिक्स करते हुए घेटा मार सकते हैं। फिर गर्म होके, ठंडी होके, गाढ़ी हुआ थी जो पानी डाले वो पानी पक जाता, सूख जाता। चलिए, 5 से 7 मिनट तक मैं अच्छे से घेटा मार ली और इसमें चिकटाई भी अच्छी आ गई। और ये इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम रहना, ज़्यादा पतली भी नहीं रहना, ज़्यादा घट भी नहीं रहना। और जो प्याज हम फ्राई करके रखे थे उसमें से आधी से बढ़ के क्रश करके डाल देंगे, आधी से थोड़ी बढ़ के क्रश करके डाल देंगे। और जो बाकी है वो सर्व करते वक्त ऊपर से डाल के सर्व करेंगे। और ये प्याज डालने के बाद भी और 5 से 7 मिनट इसको घेटा मारेंगे। और मैं थोड़ी इतनी बचा ली और प्याज डालकर फिर 5-7 मिनट इसको अच्छे से घेट लेंगे। ये प्याज इसमें ऑब्जर्व हो जाना, पूरी प्याज इसमें पक जाना, मेल्ट हो जाना, तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता। चलिए,
और 5 से 7 मिनट तक मैं अच्छे से इसको घेटा मैं ली और एक चिकटाई अच्छे से आ गई इसमें और इसको फ्लेम को बंद करके डिश आउट करेंगे। चलिए इसके ऊपर हलीम बनने के बाद सर्व करते वक्त लाल प्याज जो फ्राई करके रखे थे वो डालेंगे और जो खोरमे में से मैं थोड़ा सा निकाल के रख ली थी तीरा और थोड़ा सा खोरमा और इसमें डालेंगे असली घी, थोड़ा सा तीरे का खोरमे का ऊपर से तीरा दली में और इसमें डालेंगे असली घी और फ्राई करे हुए काजू। काजू भी गोल्डन ब्राउन फ्राई होना तो इसमें टेस्ट अच्छा आता। और थोड़ा सा हरा मसाला। चलिए मेरी मटन के हलीम की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, आप एक बार ज़रूर बनाएं, आपको बहुत इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी। चलिए मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, आपको